की है, कहाँ कौन सा है? कलंगा गांव से है, दो आए थे ये। हरीश आज अब्सेंट है, सबसे खुरापाती बच्चा, मुझे पता है कैसे मैंने हैंडल किया था। और ये है अभी हिमांशु, हिमांशु है ना, मैं इसको अजदेव के नाम से जानता हूँ, इसके जुटे उसी जैसे की है, कहाँ कौन सा है? कलंगा गांव से है, दो आए थे ये। हरीश आज अब्सेंट है, सबसे खुरापाती बच्चा, मुझे पता है कैसे मैंने हैंडल किया था। खास बात ये, उनके पैंट्स बहुत जबरदस्त आदमी है, जबरदस्त आदमी है, मतलब एक ही बात बोलते सर, सब भी टाइट जानते हैं। तो ये उनमे एक्टिव था, इनका रूम में कहते ना, मैं एक एक शेप सबको खराब कर देती है। ये वो विद्यार्थी है जिसने तीन बच्चों को कामयाब किया है, छोटी बात नहीं है। मैंने आपको पहले बता रहा, एक बच्चा पूरे बैच को खराब कर सकता है, पूरे बैच को निकाल सकता है, तो इसलिए ढंग से मेहनत करो। ये वो एग्जाम्पल है दिखी, जिसने तीन बच्चों को साथ के लेके चलाया है और नौकरी लगे वो। और ये है अभी हिमांशु, हिमांशु है ना, मैं इसको अजदेव के नाम से जानता हूँ, इसकी जुट है उसी जैसी है। नाम मैंने अजदेव नहीं रखा ना, असल नहीं बात, ये बहुत अच्छा लगता है। इसका भाई केशव पिछली बार यहीं से लगा था, केशव कहाँ ड्यूटी? हैदराबाद में है। इसका भाई भी यहीं से लगा है और ये भी यहीं से लगा है। पिछली बार इसका भाई लग गया था, अब की बार ये लग गया था। थोड़ा सा इसमें ये पहली भर्ती थी, इसकी पहली भर्ती में ही लगा आपकी बार, तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई दो भाई आए, दोनों लगे, तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि भाई विश्वास के साथ बच्चा भेजता है। और फोन भी आते रहते थे, जो भाई लगा है उनके फोन आते रहते थे, गुरु जी हमारी तरह ट्रीट करो जैसे आप हमें करते थे। तो मैंने आपको पहले बोला भाई, चाहे वो टारगेट बैच हो चाहे नॉर्मल बैच हो, हम बच्चों को ऐसे भेजते हैं। जैसे अभी आर्मी का नॉर्मल बैच है, उनको भी अभी रात को 12 बजे तक ही पढ़ाते हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीनों टाइम पढ़ाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। कैसा फील हो रहा है? आनंद आ रहा है? चलो।